के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का माइक्रोफोन अगर काम नहीं कर रहा है, माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल का माइक्रोफोन अगर वर्क नहीं कर रहा है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन का जो फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको जो है ना, अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ही ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है, यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है। तो आपका एक कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल का जो माइक्रोफोन है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक्रोफोन में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण वो काम नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोफोन को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो माइक्रोफोन के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और माइक्रोफोन बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोफोन को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिलता है, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल का जो माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ही ध्यान रखनी है, आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए, और दूसरी बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए प्रोसेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपको सर्विस सेंटर में चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके मोबाइल का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, ठीक है।